हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी हैं सेफ और सुरक्षित है। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जो है ना, आज विश्वकर्मा पूजा है और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो एज यूजुअल कुछ और ही दिन होगा। और आज जो है ना दोस्तों बारिश हुई है और बारिश होने के बाद ना मौसम ना बहुत ही खुशनुमा हो गया, तो सोचा कि इस व्लॉग की शुरुआत मैं बाहर से ही करूँ और एक अच्छे से माहौल में और अच्छे सा वेदर भी है आज, इसलिए मैंने बाहर से व्लॉग शुरुआत की है। लेकिन बाहर से ना व्लॉग जब भी शुरुआत करता हूँ तो एक प्रॉब्लम ये है ना कि जो बाहर का साउंड है, जैसे कौवा जो चहचहा रहा है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, हवा चलते हैं, रोड पे गाड़ियाँ गुजरती उनकी आवाज़ भी आती है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी इसका भी लुत्फ उठाना चाहिए, ये भी इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए व्लॉग को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो है ना, आज दो तीन जगह जाना है। एक तो मेरे साइड पे भी पूजा है, वहाँ पे जो हमारे जो ठेकेदार है दिलीप जी, वहाँ उन्होंने बहुत कुछ अरेंज करके रखा हुआ है, तो वहाँ भी पूजा शायद अभी चल रहा होगा, तो वहाँ भी चलना है हमें। और एक आध दो जगह और हमारे बड़े करीबी लोगों ने इनवाइट किया हुआ है, तो वहाँ भी चलेंगे, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। बहुत ही खास लोग हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी मिलेगा आपको उनके द्वारा, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं अभी नहा धो के पहले फ्रेश हो जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। अभी गाड़ी की पूजा भी कर दी है मुझे, गाड़ी जो है ऑलरेडी धुल चुका है, वो वॉश हो चुका है। और गाड़ी की जो सफाई जो है ना वो मैंने नहीं किया था, वो मैंने औसम कार वॉश वालों को बोला था, तो वो आए थे घर पे और वो अपने स्टाफ को भेज कर करके गाड़ी की सफाई पूरी करवा दी बहुत अच्छे से। और औसम कार वॉश का जो वीडियो है ना, उनके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उनका लिंक होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से डाल दूंगा, आप उनकी वीडियो का चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे और भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल सके। और चलिए तो रेडी होते हैं, रेडी होकर फिर मिलते हैं और फिर गाड़ी की पूजा करते हैं। हाँ, तो मैं हो चुका हूँ नहा धो के फ्रेश, रेडी और तैयार, तो अब चलिए चलते सीधा पूजा करने के लिए। तो मैं जा रहा था पूजा करने के लिए, अचानक से मैडम ने टोक दिया कि ये ब्लैक ब्लैक पहन के क्यों जा रहे हो, कुछ रंग बिरंगा पहनो। तो मैंने सफाई ये दिया कि बस रंग बिरंगा तो ये पूरा बना हुआ है और मुझे पूजा करना है गाड़ी की। गाड़ी चलता है हॉर्स पावर से और यहाँ पर दो दो हॉर्स पावर है, तो मतलब ऐसा क्या गलत हो गया, जबकि हॉर्स तो बना हुआ है, तो ये मेरा लॉजिक था। तो हॉर्स है और जी दो गाड़ी है, तो दोनों गाड़ी के दो दो हॉर्स, तो दो गाड़ी दो हॉर्स, तो दो हॉर्स पावर है मेरे पास, तो अब जा रहा हूँ गाड़ी की पूजा करने विथ हॉर्स पावर। तो चलिए विथ हॉर्स पावर गाड़ी की पूजा करते हैं। गाड़ी की पूजा हो चुकी है, मतलब घर का जो था एक फॉर्मेलिटी, एक पूजा, एक जो मेरा दायित्व था वो मैंने पूरा कर लिया है और अब रेडी होते हैं और चलते हैं अपने साइट पे। वहाँ पे दिलीप जी ने जो जो ऑर्गेनाइज किया वो सब मैं आपको दिखलाता हूँ। तो चलिए रेडी होते हैं और फिर गाड़ी पे मिलते हैं। तो चलिए नहा धो के रेडी तैयार हुआ, गाड़ी पर बैठ चुके हैं, ऑल सेट टू लीव। तो मैं और मैडम दोनों जा रहे हैं, मुझे को छोड़ दी बिकॉज बारिश हो रही है, अभी हल्की अभी रुकी हुई है, तो साइड पे चलते हैं आप लोग, तब तक नज़ारे का मजा लीजिए आप लोग। तो फाइनली हम लोग साइड पे पहुंच चुके हैं, ये जो पीछे है ये बस पेंट हो रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का माहौल क्या है। फाइनली जो अब यहाँ पे जो लोग थे, पूजा चल रहा था, पूजा ख़त्म हो चुका है और अब लंच का टाइम शुरू हो गया, लंच हो रहा है उनका, तो खाना बन रहा था उस टाइम में, पूजा ख़त्म होने के बाद शुरुआत हुआ था। चलिए अब देखते हैं खाना क्या बना है
और लोग जो खा रहे हैं उनको दिखाता हूँ मैं। आप चलिए, तो यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ से बड़े एक बहुत ही स्पेशल जगह और बहुत ख़ास जगह, तो वहाँ की खासियत और स्पेशलिटी क्या है वहाँ चल के बताऊँगा, तो बने रहिएगा और वीडियो बिना स्किप के देखिएगा और सोशल मीडिया पे मुझे तब तक फॉलो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं उस स्पेशल जगह पे। तो अब हम अपने उस डेस्टिनेशन पे अपने खास जो मेहमान उनके घर पे पहुँच चुके, घर पे उनके ऑफिस पे हैं और जो ऑफिस है आपको मैं बता रहा हूँ कि खासियत आपको पीछे दिख रहा होगा, जो पीछे बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये कोई नर्सरी नहीं, हम लोग सिर्फ नर्सरी में नहीं आए हैं, ये हम लोग हमारे लायंस क्लब के बहुत ही सीनियर मेम्बर है लायन केदार केसी सर, उनका यहाँ पे स्क्रीन मैन करके प्रिंटिंग का उनका काम है, उनके ऑफिस में आए हैं और उन्होंने पूरा पौधा लगा हुआ है, मतलब पौधों मतलब इन्वायरमेंट के प्रति तो बहुत ही जागरूक वो इंसान है। तो चलिए उनके ऑफिस पे चलते हैं, उनको मिलवाते हैं आपको और एक झलकी आपको यहाँ का दिखाते हैं कि पौधा कितना सारा पौधा है, तो आपके पौधा का झलकी का मज़ा लीजिए। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे बड़े करीबी हमारे गार्जियन, नमस्कार, लायन केदार केसी सर। और सर एक चीज़ बताइए, जैसे ये जो है जगह पे यहाँ पे स्क्रीन मैन, यहाँ तो सब पूरा प्रिंटिंग का काम होता है। जी बिल्कुल सही, लेकिन जहाँ पे शुरुआत हुआ है, जहाँ से लोग आ रहे, सिर्फ पौधा पौधा है, यहाँ पे देख रहे हैं पौधा ही दिख रहा है, तो मतलब ये क्या यहाँ पे नया नर्सरी शुरू किया है आपने या फिर ये क्या चीज़ है, बताइए जरा दर्शकों को। एक्चुअली क्या है, ये प्रिंटिंग प्रेस है और प्रिंटिंग का ही काम यहाँ पे अभी भी होता है, आगे भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जहाँ तक प्लांट जो बोल रहे हैं नर्सरी, नर्सरी नहीं है, एक्चुअली मेरा हॉबी है और हॉबी के अंदर मैं जिससे भी बात करता हूँ लोग यही कहते हैं कि देखो यार मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं उस भ्रम को तोड़ने के लिए, चूँकि शौक भी है और मैंने सिर्फ विंडो में ही ये इतना डेवलप किया, बाहर भी पौधा देखे होंगे, बाहर भी आप देख रहे हो सारा चीज एक पौधा, बिल्कुल ये मेरा इंटरेस्ट है, मतलब सीढ़ी का पार्ट है, यहाँ पे पौधा लगाना संभव नहीं है लेकिन मैंने डेवलप किया है। जी जी बिल्कुल, तो ये चीज़ नहीं है कि आज के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ जगह की रोना रोए, वो जगह कोई मतलब नहीं रखता है, आपके पास दिल में जगह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए इसके प्रति, समर्पण होना चाहिए इसके प्रति, बिल्कुल अगर इसके प्रति समर्पण है तो हर जगह आप उसको लगा सकते हो और इसको डेवलप कर सकते हो, ये भी हमारे तरह इंसान है, इसको भी इंसानियत दिखता है इसके अंदर। अच्छा सर अब एक चीज़ ये बताइए, पीछे जो इतना सारा गमला दिख रहा है ये सारा, तो ये जो गमला है ये कॉन्सेप्ट क्या है गमले का? बड़ा देखो गमला इसमें 10% है। अच्छा मैक्सिमम देखो सब बेस्ट पार्ट है, ये सारा जो डब्बा घर में लोग फेंक देते हैं, अच्छा उसको ले लेते हैं, ये पाइप है, तो ये देखो ये पाइप है, इसके अंदर में मैंने इसको डेवलप किया है और उसको एक शेप देने की कोशिश किया है, ये टायर देख रहे हो रोड पे मेरी गाड़ी की टायर निकलती है और लोग फेंक देते हैं, मैंने लाके उसमें पौधा प्लांट किया है। तो ये मेरा चूँकि देखो मैं पहले भी बताया कि आप अगर चाहते हो कुछ भी करना तो हर चीज़ में संभव, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ सोच सकते हो और उसमें डेवलप कर सकते हो, कोई चीज़ आज के दिन बर्बाद नहीं होता है, आपका विजन सही होना चाहिए, सोच सही होना चाहिए, हर चीज़ रीयूज होता है। सर कौन कौन सा प्लांट यहाँ पे जहाँ बता सकते हैं हमारे दर्शकों, एक्चुअली है तो बहुत सारा बट जल्दी से जो दो तीन प्लांट जो आपको पता है कौन सा है क्या क्या है वो खाली हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इंडोर प्लांट में ज़्यादातर मनी प्लांट चलता है, सबरी चलता है, उन सभी तरह के ये अपने कलेक्शन कर रखा है, ठीक है, और उसमें प्लांट हर तरह के मेरे पास में ले जाएंगे, ये पीपल का है, मनी प्लांट है, ये तुम्हारा कलूटन है, ये तुम्हारा हमें इसको बोलते हैं पाम की चाना पाम है, तो इस सब चीज़ को मैं यहाँ पे लगा रखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने कहा कि आज के दिन में बुके,
तो आप किसी को प्लांट देते बुके देते हो जी, वो दूसरे दिन बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, मेरा ये चीज यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लांट की जगह पे प्लांट बुके दो, बुके की जगह पे प्लांट जी, बुके। जी, 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 जैसे ये बुके है, अगर आप किसी को ये चीज देते हो तो ये उसको कभी फेंकेगा नहीं, जब तक जिंदा है तब तक उसके साथ रहेगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट मैंने एक और भी चीज देखो, यह चीज देखो मैंने ये बुके तैयार किया है, बिल्कुल बास्केट बुके। अगर आप किसी को ले जाएगा कि ये प्लांट दोगे तो क्या ये ₹500 अगर किसी बंदे को भी देते हो तो जाके घर में लगाएगा। सर तो मान लीजिए जब ये जो आप बुके का बात जो आप ये कॉन्सेप्ट जो आपने तैयार किया है, तो ये बता दिया हमारे दर्शकों को तो अगर ये उनको चाहिए यहाँ पर, क्या यहाँ पे यहाँ से खरीद सकते हैं वो? हाँ ये कि यह अभी डेवलप नहीं किया है लेकिन फ्यूचर प्लान है, हम इसको उस तरह से उनको प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो सब चाहते हैं हम कराएंगे, कुछ हमारे पास इंक्वायरी आ भी रही है इस तरह का, ठीक है कि आप हमें दीजिए तो हम इस पर सोच रहे हैं और बहुत जल्दी इसको हम एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो जो स्क्रीन मैन का जो यहाँ का जो लोकेशन है, जो नंबर है सर का तो नंबर नहीं, मैं आपके ऑफिस का जो नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप एक बार वहाँ से कॉल करके वहाँ से चेक करके सर से बात कर लीजिएगा, यहाँ के स्टाफ से कि आपको अगर तो पौधा चाहिए तो कैसे प्रोवाइड होगा, वो डिटेल्स मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर आप जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं कि बड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हर सेक्शन एक सब बाहर हो गया, फिर वहाँ से एक अंदर आते हैं वहाँ पे, फिर ये आपके ऑफिस वाले जो सेक्शन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा पानी का ही है, तो ये पूरा पानी का जो प्लांट जो आप देख रहे हैं इसके क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरा सब पानी पानी है? मतलब ऐसे लोग जनरली जानते हैं कि सिर्फ मनी प्लांट है ना जी, वो पानी में रहता है, वो मनी प्लांट ही पानी में रहता है, लेकिन मैं मनी प्लांट के अलावा कई ऐसे प्लांट है जिसको मैंने पानी में डेवलप किया है। सारा प्लांट मेरा पानी में जिंदा है, सारा प्लांट देख रहे होंगे सब मतलब हेल्दी है। ये कैसे डेवलप किया सर, मतलब क्या? बस वीडियो पे देखते रहते हैं, लोगों को मतलब फॉलो करते हैं, तो ये मुझे आइडिया लगा और उसी को लेकर के मैंने तो टेस्ट ट्यूब में प्लांट कोई डेवलप किया है, सारा प्लांट टेस्ट ट्यूब में किया हुआ है, टेस्ट ट्यूब में है, इसके अंदर देखो ये फ्लास्क के अंदर में है, सारा प्लांट जो है ये पीस लीली देखो कितना डेवलप कितना हेल्दी है। सर मतलब वैरायटी ऑफ पौधे, मतलब ये कब से सर अंदर आपकी डेवलप हुई है अचानक से, क्योंकि पहले ऐसा कुछ था नहीं ये, मतलब देखो ये एक्चुअली क्या है कि ये मुझे तो पौधे के प्रति शुरू से ही प्यार रहा है, बचपन से ही पौधे के पीछे मतलब दीवाना रहे हैं, बट क्या है कि भाग दौड़ दुनिया की जब जवाबदेही कर लो उसमें इससे थोड़ी दूरी रही, अब आके थोड़ी निश्चिंता हुई तो हम कहे कि भाई इसको डेवलप करें, और मेरे पास बहुत बड़ा गार्डन नहीं है तो हम इसी को गार्डन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और इसी में मुझे संतुष्टि मिलती है, मेरे पौधे भी हमसे संतुष्ट रहते हैं, ये भी हमसे बात करता है, ये भी खुश रहता है, मैं भी खुश रहता हूँ जी। सुबह आते हैं जी, एक बार पौधे कनेक्शन करते हैं, इंद्रियों के साथ कुछ समय बिताते हैं, तो हम अपने काम में लगते हैं, और जब भी मौका लगता है बीच में भी जब भी लीजर अवर मिलता है हमें बिजनेस से, तो हम आके पौधे के बीच में ही समय बिताते हैं जी। और आजकल सरकार भी जो है तो पर्यावरण बचाओ एक मुहिम छिड़ी हुई है पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग जो है मौसम में बहुत बदलाव आ रहा है, तो उसको भी लेकर सरकार भी, तो मतलब हम तो यही कहेंगे अपने सारे लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग पेड़ लगाइए। नहीं मेरा उसमें एक चीज थोड़ा मैं सरकार के नीति पे मेरा एक सवाल ये होता है जी, कि सरकार हो या जितने भी एनजीओ हो पौधा लगा जरूर देते हैं जी जी, अगर 100,000 पौधा लगाते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि 50,000 पौधा भी 10,000 पौधा भी जिंदा रहता होगा, क्योंकि लगा देना हम भी जाके बहुत पहले लगाया कि बहुत से एनजीओ के साथ जाके लगाए हैं, लगाने के बाद शायद कोई भी ऐसे नहीं है जो दोबारा जाके उस पौधे को देखे को कहा किस स्थिति में है, लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं विजिटर आते हैं मेरे कस्टमर आते हैं अवेलेबल, हम उनको एक पौधा देख के इनको बुके की जगह पौधा देते हैं, देने का पर्पस यही है मेरा
उद्देश्य यही है कि वो पौधा ले जाकर के घर में रखेंगे, उसको जिंदा रखेंगे। मैंने अगर अभी तक 500,000 पौधा जो भी दिया है, तो वो मुझे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर 1,000 पौधा में 900 पौधा जरूर जिंदा हो है। आज भी लोग मुझे फोन करके कहते कि देखो तुम्हारा पौधा अभी लगा हुआ है और हेल्दी है, डेवलप कर रहा है। तो ये पौधा लगाने का उद्देश्य होना चाहिए कि पौधा लगने के बाद उसकी स्थिति क्या है वो जाने। चलिए सर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज यहाँ पर मुझे टाइम स्पेंड किया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने घर पे पौधा लगाओ। इनफैक्ट मेरे घर में थोड़ा पौधा लगा हुआ भी है आज भी, मतलब जो ब्लॉग के स्टार्टिंग अगर दर्शकों ने देखा होगा तो अपने घर में मैंने कुछ पौधे तोड़े, मतलब फूल तोड़ा है और उसे पूजा किया है, तो थोड़ी वो गार्डनिंग मेरे घर में भी है। तो हो सके तो यहाँ से एक पौधा लेकर के आ जाके मैं अभी अपने घर पर लगा दूंगा। और बस मेरे घर में हल्का छोटा सा गार्डन है ही मेरे घर में भी, बस उस पर एक और एडिशन हो जाएगा क्या आपसे? नहीं बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है और मैं इस मौके पे और जो भी आते हैं उनको पौधा देके ही मतलब उनका मान कर देते हैं। चलिए आज का आना हमारा दम सार्थक हो गया, यहाँ से हमें दो पौधा मिल रहा है और आज ही इसको जाकर हम लोग घर पे इसको लगा देंगे इसको। और अभी जो है मैडम और कुछ पूछे सर से, ये देखते क्या क्या जानकारी अब मिल रही है। बहुत ही अच्छी चीज। और सर हमें क्या बता रहे हैं, एक्वेरियम का तरफ फेंका हुआ था उसको मैंने डेवलप कर दिया है। सर आपसे ना बहुत प्रेरणा लेने का है, मतलब तो सब इंस्पिरेशन सर, मतलब मैं क्या बोलूँगा, मतलब लोगों को भी सीखना चाहिए आते हैं। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो से, मैंने आप याद है स्टार्टिंग में एक बहुत मैसेज भी मिलेगा एक अच्छा, यही वो मैसेज मैं देना चाहता हूँ इन्वायरमेंट के प्रति कि अपने इन्वायरमेंट के प्रति लगाव थोड़ा सा बढ़ाइए। घर गाड़ी बंगला सब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो बच्चों के लिए ना आने वाला जो फ्यूचर है ना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट दीजिए, क्योंकि आज इन्वायरमेंट के चक्कर में ही उसके चलते ही आज हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं। तो अपने लिए कभी अपने बच्चों के लिए और उनके होने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाइए, और पेड़ पौधों को जितना आप बता सकते हो लगा सकते हैं लगाइए। और चलिए यहाँ तब निकलने का समय हो रहा है, निकलते घर पर, घर पर चलिए इसको फिर लास्ट लगाएंगे भी, वो भी आपको दिखाऊंगा कि याद लगेगा कैसे। आज एक और बहुत ही स्पेशल दिन है सर के लिए, क्योंकि आज जो है सो मैडम का बर्थडे है, और आज के बर्थडे के दिन का हम लोग जो है केक एंजॉय करेंगे, क्या रखा हुआ है केक तो खा के हो गया है। और सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनाउंसमेंट किया है, और समझिए कि इनिशिएटिव है तो सर का खुद का है, वो क्या इनिशिएटिव है वो सर से बात करते सर बताइए क्या इनिशिएटिव है। ये है पेड़ लगाए पर्यावरण बचाए, पेड़ जितना ज्यादा लगाइए पर्यावरण को नहीं फायदा होगा, पर्यावरण फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा। एक्चुअली हम लोग जैसा मैंने आपको पहले भी तो कई वीडियो पर दिखाया है, हम लोग लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब और पाटलिपुत्र आस्था डिस्ट्रिक्ट 322E। तो और हम लोग सब लोग एक ही क्लब के मेंबर भी हैं, तो सर ने एक अपना परमानेंट प्रोजेक्ट शुरू किया अपने क्लब के लिए के इतिहास पे, पेड़ लगाए पर्यावरण बचाए। तो बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, अगेन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार भी काम कर रही है, बट ठीक है सरकार के भरोसे हम सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ अपने से भी हमें इनिशिएट करना होगा। तो आइए मिल करके हम सब सर को सपोर्ट करें सर के इस इनिशिएटिव में, और इस मोमेंट को आगे बढ़ाएं हम लोग। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो हम लोग निकल चुके थे वहाँ से और घर जाए थे, लेकिन रास्ते में आया तारामंडल और यहाँ पे कुछ सिल्क साड़ी का मेला लगा हुआ है। मैडम के सर में हो रहा है माइग्रेन का दर्द, लेकिन सिल्क मेला अगर देखते ही इनका दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो बोलेगी थोड़ी देर रुकने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप ओवर लिए हैं और जा रहे सिल्क वाला चेकआउट करने के लिए, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली चलिए चलते हैं देखते हैं क्या चीज़ है। तो फाइनली मैडम वहाँ पे सिल्क वाला में बहुत टाइम लगा दिया और बस खाली घूमा, कुछ लिया भी नहीं, और उसके बाद उस पर इतना टाइम लग गया कि अंधेरा हो गया और हम लोग घर पे आए
और अभी जो है प्लांट तो अभी नहीं लगाएंगे, प्लांट कल मुही मेडल लगाएंगे कल सुबह में। तो चलिए अभी सोते हैं, सो के उठते हैं। अब ये इस व्लॉग को मुझे कल तक इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अब रात हो गया है, थक भी गया, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो कल सुबह जैसे ही प्लांट लग जाएगा तब इस वीडियो को एंड करूँगा। चलिए सोते हैं और सो के उठते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। और अब जो है प्लांट लगाने का समय आ चुका है। मुही मैडम उठने के साथ ही परेशान है कि पापा चलो प्लांट लगाने, मुझे परेशान किया हुआ है। तो ये प्लांट रखा हुआ है और अब चलते प्लांट लगाने के। प्लांट लगाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, मिट्टी खोदना है। मिट्टी खोदने के लिए सबसे ज़रूरी जो औजार है, वो औजार रखा हुआ है यहाँ, वो है ये खुरपी। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ प्लांटेशन मैंने किया नहीं है, फर्स्ट टाइम आज मैं कह रहा हूँ कि जो भी किया हुआ है सब बहुत टाइम से, मतलब जो लेबर आते थे उससे कराया हुआ है या बहुत पुराना ही किया हुआ है। तो आज पहली बार मैं कुछ लगाने जा रहा हूँ मोही मैडम के साथ। मोही मैडम भी लगाएंगी, मैं हेल्प करूँगा। तो चलते हैं नीचे और प्लांट को लगाते हैं। आपको जगह तो मिल गया, जगह आपको दिखलाते कहाँ पे, लेकिन उसके पहले आपको झलकी दिखलाते हैं कि मेरे घर में कितना पौधा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही लगा हुआ है, लेकिन कहाँ कहाँ पे वो दिखलाते हैं। आइए चलते हैं ऊपर, तो साफ सफाई कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं और फिर मिलते हैं। चलिए तो फाइनली जो है पौधा हमारा लग चुका है। मोही मैडम बहुत खुश है, गमला को धो करके रख दिया है। और हो सके तो उस गमले में ना मोही कुछ पेंटिंग वेंटिंग की कुछ अपना एक्टिविटी करेगी, तो मोही के लिए उस गमला यूज करने के लिए रख दिया है। और एक बार आपको ऊपर से ना आपको अपना नीचे का जो गार्डन का नज़ारा है वो आपको दिखलाते होगा, ऊपर से देखिए। तो चलिए फाइनली जो है हमारा जो है मिशन अकॉम्प्लिश हो चुका है और सक्सेसफुल रहा मिशन हमारा जो पौधा था। और मोही मैडम भी बहुत खुश हो गई और जो पौधा सब देखा हो उसने छुई भी वाला प्लांट, तो बहुत अच्छा लगा उसको। और चलिए तो अब इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मैं सिकुड़ते जा रहा था। तो बहुत मज़ा किया मोही मैडम ने। तो फाइनली आज अब मैंने अपने घर पर अपने हाथ से वो दो पौधा लगाया, अब हमने दोनों मिल के लगाया है। और बस आप सभी से फिर से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी जो है अपने अपने घरों में जो भी जगह मिले, जैसी भी जगह है, जैसे कि आपने केदार सर के ऑफिस पर देखा कि अगर लगाने का मन हो और एक अंदर से इच्छा हो तो लोग कहीं से भी जगह निकाल ही लेते हैं। तो मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि प्लीज़ पेड़ पौधे लगा, पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि हमें अपने आने वाले भविष्य के जो बच्चे हमें उन्हें हमें एक अच्छा और बढ़िया एनवायरनमेंट दे के जाना है। और केदार सर के ऑफिस का जो भी एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह है उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूँगा। और जो ऑसम कार वॉश से मैंने कार वॉश कराया था उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो लिंक होगा तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ ही बटन डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और बस आप ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कि बहुत ज़्यादा लंबा खींच देखो मतलब है नहीं, क्योंकि काम जो था वो चीज़ हो चुका है बहुत अच्छे से, है ना मोही? तो चलिए यहाँ तक देख लिया है वीडियो, तो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसा लगे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, उन्हीं को मिलता रहे। अभी तक आप अपना प्यार बनाए हुए हैं, आगे बनाए रखिए। और
मिलते फिर किसी ऐसे ऐसी मस्त वाले अच्छे वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऐसा लगे दस विदानी है, बाय बाय।